पीएम मोदी का एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। क्या पीएम मोदी बिहार की यूनिवर्सिटी में देने वाले हैं बीए की परीक्षा? सोशल मीडिया पर मामले ने पकड़ा तूल तो बौखलाई यूनिवर्सिटी। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बिहार के दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह इस बार बेहद खास है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने बीए पार्ट 3 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है, जिसके बाद एक बड़ा तूफान आ गया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए एडमिट कार्ड पर किसी छात्र की नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी की खूब थूथू हो रही है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल फागू चौहान की फोटो वाला एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। दोनों एडमिट कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब विश्वविद्यालय ने अपने काम में लापरवाही दिखाई है, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। दरअसल शनिवार को एक छात्रा का एडमिट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और साइन के साथ जारी हुआ। एडमिट कार्ड को गुड़िया कुमारी नाम की एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी की आधिकारिक साइट पर जाकर डाउनलोड किया। छात्रा के एडमिट कार्ड पर उसकी जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर और साइन थे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। हालांकि रजिस्ट्रार ने कहा कि इसमें दोष छात्रों का ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को एक आईडी मिली है जिसके माध्यम से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा छात्रों की आईडी से ही हुआ है। साथ ही उनका कहना था कि राज्यपाल और प्रधानमंत्री जैसी हस्तियों की फोटो अपलोड करके उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में गलती हुई है तो छात्रों को विश्वविद्यालय में इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल कर विश्वविद्यालय को बदनाम किया है। उन्होंने कहा ऐसे छात्रों पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा, इसके लिए वीसी ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को बेगूसराय में संबंध बीडी कॉलेज के छात्र रवीश कुमार शानू को प्रवेश पत्र जारी किया था, जबकि उनका नाम, पिता का नाम और पता सही है, लेकिन राज्यपाल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले इसी विश्वविद्यालय ने एक छात्र को 151 अंक दिए थे, जबकि कुल प्रश्नों की संख्या 100 थी। हालांकि इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे असल वजह क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर इसमें विश्वविद्यालय की भी बड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।